दोस्तों, अगर आप बिगनर हो, वर्डप्रेस पर एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन होस्टिंग बाय करने का आपका बजट नहीं है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को किसी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए होस्टिंग प्रोवाइड करती है। और यहां से जो होस्टिंग आपको मिलती है उसमें आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है। जो दोस्तों, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड MySQL डेटाबेस, अनलिमिटेड डोमेन आप यहाँ पे अपने होस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी अनलिमिटेड वेबसाइट को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे होस्ट कर पाएंगे। वैसे तो आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ लिमिटेशन दी जाती है। किसी में 1GB 2GB का स्टोरेज दिया जाता है, बैंडविड्थ आपको 4-5GB की प्रोवाइड की जाती है, सिंगल डोमेन आप होस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होस्टिंग कंपनी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे, किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और, अगर आपके पास डोमेन भी नहीं है, आप वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं और सीखने के पर्पज से आप एक सब डोमेन भी चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल फ्री में सब डोमेन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सी वेबसाइट है जो आपको अनलिमिटेड होस्टिंग बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रही है लाइफ टाइम के लिए, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिस वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। इस वेबसाइट पर आएंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग वगैरह, फीचर वगैरह, डोमेन्स वगैरह, जो भी इनकी सर्विसेज है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ कवर करने वाले हैं इनके फ्री होस्टिंग प्लान को। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड चलते हैं। तो यहाँ पर आप इनके पूरी होस्टिंग की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि 100% फ्री में आपको मिलने वाली है, किसी तरह के एड्स के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। फास्ट एंड पावरफुल होस्टिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, 99.9% का आपको अप टाइम देते हैं। अनलिमिटेड आपको यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइड की जाती है, किसी भी तरह का डोमेन आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। चलिए स्क्रॉल डाउन करके इसके प्लान वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इनके तीन प्लान देखने को मिलते हैं, फ्री, प्रीमियम, एक स्टार्टर प्रीमियम। तो यहाँ पर अगर इनके पेड प्लान की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको फ्री में क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री वाली होस्टिंग हमें $0 पर मंथ में मिलती है, जिसमें कि अनलिमिटेड डिस्क स्पेस हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो आपने देखा हो काफी सारी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी आपको बिल्कुल फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन इतना डिस्क स्पेस आपको नहीं मिलता है। बैंडविड्थ की बात करें, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, MySQL डेटाबेस 400 आप क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड एड ऑन डोमेन यानी कि आप अपनी अनलिमिटेड वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री में आपको सब डोमेन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं, आपका डोमेन बाय करने का बजट नहीं तो आप इनका सब डोमेन भी ले सकते हैं। फ्री में DNS सर्वर की सर्विस भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये हो गया इसके फीचर। अब आपको करना क्या होगा कि इसको आपको लेने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल अकाउंट देना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। चलिए मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। री एंटर करते हैं अपने पासवर्ड को। इस कैप्चा को हम यहाँ से फिल कर लेते हैं, इस कैप्चा को भी मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ। तो चलिए कैप्चा हमने फिल कर लिया। टर्म्स एंड कंडीशन को हम यहाँ से एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद यहाँ से आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। चलिए इसको साइन अप कर लेते हैं। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपसे बोल रहे हैं कि जो भी मेल आपने यहाँ पे दिया उस पर एक वेरिफिकेशन मेल सेंड किया गया। तो सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। चलिए अपने मेल बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेबसाइट की तरफ से वेरिफिकेशन का मेल आ चुका है। इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको अपने मेल को सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई कर लेना होगा। तो चलिए अपने ईमेल अकाउंट को हम ये वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हमसे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे। डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें होस्टिंग कहाँ मिली। तो इसके लिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे अपनी अनलिमिटेड होस्टिंग मिलती है, तो आप अनलिमिटेड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अंदर, अपने अलग अलग डोमेन आप होस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी किसी भी तरह का कोई अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया, यहाँ पे आपने तीन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और तीनों अकाउंट में आप अपनी अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, एक ईमेल अकाउंट से आप तीन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर अंदर, और हर अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे अपनी अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे। तो करेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप इनका सब डोमेन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो भी डोमेन लेना चाहते हैं आप इनका सब डोमेन यहाँ पे ले लीजिए, अपना डोमेन नेम दीजिए, यहाँ से आप एक्सटेंशन ले लीजिए। यहाँ से आपको तीन तरह के एक्सटेंशन मिलते हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो एक्सटेंशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से सब डोमेन ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है, आप उसको यहाँ पे होस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके दो नेम सर्वर आपको देखने को मिलेंगे। अपने डोमेन अकाउंट में जाकर आपको ये दोनों नेम सर्वर यहाँ पे डालने होंगे, फिर आपको यहाँ पे सब डोमेन क्रिएट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपने नेम सर्वर अपडेट कर लेने हैं।
नेम सर्वर 15 से 20 मिनट लगते हैं अपडेट होने में। अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे आना है और वापस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कोई भी एक लेवल दे दीजिए। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक लेवल यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेकी शरीफ। और इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यूजर नेम यहाँ पे ये बन चुका है, हमारा लेवल यहाँ पे हमने जो नेम दिया था, और स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 5 से 10 मिनट वेट करना होगा, आपको पेज को रिफ्रेश करके देख लेना है। 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पर एक प्रोसेसिंग की जगह आपको एक्टिव लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए मैंने एक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेट करके रखा हुआ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको अपने इस अकाउंट को यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट में कंट्रोल पैनल मिल जाता है, फाइल मैनेजर मिल जाता है, और यहाँ से अगर इस अकाउंट को आप कभी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीपीएनएल को एक्सेस करके दिखा देता हूँ। सीपीएनएल पर क्लिक करेंगे, जैसे आप सीपीएनएल पर क्लिक करेंगे सीधा आपको आपके सीपीएनएल में रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का सीपीएनएल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप अपनी होस्टिंग की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री में आपको होस्टिंग मिल रही है। सब डोमेन आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, डोमेन हेड आप यहाँ पे अनलिमिटेड कर सकते हैं, यानी कि अपनी अनलिमिटेड वेबसाइट यहाँ पे आप होस्ट कर सकते हैं। पार्क डोमेन अनलिमिटेड, MySQL डेटाबेस अनलिमिटेड, डिस्क कोटा तक आपको यहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है, कि जितने भी फीचर है आपको सबके सब यहाँ पे अनलिमिटेड ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी होस्टिंग है जो कि आपको सब कुछ अनलिमिटेड दे रही है, बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड वेबसाइट आप अपनी यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अब यहाँ पर नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरे फीचर मिल जाते हैं, फाइल मैनेजर वगैरह, इसके अलावा PHP MyAdmin, MySQL डेटाबेस, SSL सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्लूज का इंस्टॉलर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप सिंगल क्लिक में अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी बिल्कुल फ्री में वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं और उसके लिए होस्टिंग चाहते हैं, या आप बिगनर हैं कुछ टाइम आप फ्री होस्टिंग पर रहना चाहते हैं लेकिन एक ऐसी होस्टिंग चाहिए आपको जिसमें कि आपको सारे फीचर अनलिमिटेड प्रोवाइड किए जाए, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री में अपनी अनलिमिटेड वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।